तुम बैक अगेन मैं YouTube चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी के बारे में, जो कि है दोस्तों लैब टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए दोस्तों का जो भी स्टूडेंट MLT है या DMLT है, तो दोस्तों उसके लिए काफ़ी अच्छी कुछ खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपका केवल जो भी आर्ट्स वाला स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसने 12th यहाँ पर साइंस आपसे नहीं मांगी गई है। केवल और केवल जिसका भी DMLT है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे ये वैकेंसी कहाँ के लिए निकली है, साथ ही साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ में आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती होगी, जो नेम ऑफ पोस्ट का वो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है गाइस। और दोस्तों फिर उसके बाद में सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सैलरी आपकी 18,000 प्लस HRA आपका रहने वाला है, ठीक है। HRA 27% यहाँ पे रहने वाला है, 27% HRA आपका रहने वाला है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है, 10th प्लस डिप्लोमा, ठीक है गाइस। आपकी 10th क्लास है और उसके बाद में आपका डिप्लोमा है। यहाँ पे 10th क्लास किस लिए दिया गया है? ताकि जो भी स्टूडेंट है जिसने MLT कर रखा है, नॉर्मल MLT, चाहे वो आर्ट्स वाला हो तो भी वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 12th साइंस आपसे नहीं मांगा गया है। अगर आपकी 10th क्लास पास आउट हो और आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, चाहे वो MLT हो या DMLT हो या BMLT हो, तो दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। प्लस यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ और चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट सब्जेक्ट आपका फील्ड का, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 ईयर, ठीक है गाइस। 18 से लगा के दोस्तों 28 साल के बीच में आपकी एज होगी तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकोगे, ठीक है गाइस। ये कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल रहे होंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे वैकेंसी की, इस फॉर्म की लास्ट डेट कब तक रहेगी। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 18/3/2024 को रहेगी, ठीक है गाइस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो दोस्तों आप देख लीजिए, लास्ट डेट भी आपको देखने को मिल गई होगी। और अब दोस्तों हम बात करेंगे वैकेंसी कहाँ के लिए निकली है। तो ये वैकेंसी जो निकली है वो निकली है ICMR के अंदर, ठीक है गाइस। ICMR आपको पता ही है, ICMR के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी ला चुका हूँ। और आप मुझे कमेंट कीजिए आपको किस स्टेट की वीडियो चाहिए, ठीक है गाइस। ICMR के अंदर आप देख सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर, ICMR के अंदर भी दोस्तों वैकेंसी निकली है, वो निकली है NICPR के अंदर, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा, इन एडवर्टाइजमेंट के नंबर ही हम इस वैकेंसी को देख सकते हैं, इसकी PDF। साथ ही साथ में ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट नंबर है जो आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। 4th नंबर का नोटिफिकेशन है और 2024 का, और यहाँ पे जो दोस्तों डेट आपको देखने को मिल रही होगी, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ वो हुआ 27/2/2024 को जारी हुआ है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये वैकेंसी जो नोएडा की तरफ से निकल गई है, ठीक है गाइस, तो नोएडा की जो लोकेशन है उसके ICMR नोएडा के अंदर ये वैकेंसी है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है गाइस। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।